भाई ये पूछने का इन दोनों लोगों से नाम फक से कार कि भाई आप इंडिया से हो कि नहीं, बोल रहा है कि मैं भी इंडिया से हूँ तो आपको ऐसा तो बात करो। वो बोल रहा है कि एक्चुअली अच्छा आदमी है, वो लावरा तक मुझे छोड़ने आ रहा है तो पीछे देख रहे हो कि आप इधर लावरा है ये, तो मुझे बोला कि मैं आता हूँ आपको छोड़ने के लिए पीछे तक, और ये इन लोगों की भी थोड़ी हेल्प कर रहा है, ये लोग अरब से है, अरबिक कंट्री से। वो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन है, मतलब यूनिवर्सिएट का। तो ये है अर्सेनल स्टेशन यहाँ का, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये है अर्सेनल का मेट्रो स्टेशन जो कि डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो ये है भाई ओटीबी बैंक। और दूसरी एक चीज़ है कि आपको अगर एंट्री करनी है, ये 24 आवर्स एटीएम ओपन रहता है, तो आपको अगर एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पे ना कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद ही आप अंदर जा पाओगे। सो दैट इज़ यू नो वन ऑफ डिफरेंट थिंग दैट आई हैव सीन हियर। और ये है अपना ओटीबी बैंक। तो अभी मैं एक्चुअली आ गया हूँ पार्क ऑफ इटर्नल ग्लोरी में। सो यहाँ पे मतलब 3-4 प्लेस है, वो मैं सब कवर करने का ट्राई करूँगा और दिखाऊँगा आपको कि क्या है। तो अभी मैं आ गया हूँ पार्क ऑफ इटर्नल ग्लोरी के पास। तो यहाँ पे जो एक है इटर्नल फ्लेम, कि वो मतलब 24 आवर्स 365 दिन चलती रहती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। और भाई ऐसा कुछ माहौल है पीछे का। और ये जो फ्लेम है 24 घंटे चलती रहती है, मतलब कि आप कोई भी टाइम पे आओगे, बारिश भी होगी तो ये मतलब फ्लेम बुझेगी नहीं, ये चलती रहेगी। तो अभी यहाँ यूक्रेन में ऐसा हो गया है कि कीव में एक्चुअली में, कि अगर आपको बस में जाना है तो मतलब कि बस में टिकट आपको नहीं मिलेगी, आपको लेनी पड़ेगी मेट्रो स्टेशन में जाके और फिर वहाँ से आप बस में जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास इन लोगों के पास जो कार्ड यूज़ करते हैं वो है anyway, तो उसके थ्रू जा सकते हो आप। सो बस के लिए कुछ ऐसा है कि आप मेट्रो में जाइए, मेट्रो की विंडो में के पास जाके बस की टिकट लीजिए, उसके बाद आप बस में जाइए। डायरेक्ट बस में जाके आपको कीव में मतलब कि एंट्री नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। और ये भाई साहब है मेरे साथ, वो दिस अबाउट सेम कार्ड, दिस इज द नेम माय सिस्टर बट सेम कार्ड, अंडरस्टैंड मी? ओके, लेट मी सी, दिस वुमन इज दिस फ्रॉम योर कंट्री? आई डोंट नो, कम दे आई मस्ट, नो डोंट आस्क लाइक दैट। भाई ये पूछने जा रहा है कि भाई इंडिया से है कि नहीं, ये देखो आगे आदमी के साला। तो भाई ये पूछने का इन दोनों लोगों से नाम फक्स कार कि भाई आप इंडिया से हो कि नहीं, बोल रहा है कि मैं भी इंडिया से हूँ तो आपको ऐसा तो बात करो। वो बोल रहा है कि एक्चुअली अच्छा आदमी है, वो लावरा तक मुझे छोड़ने आ रहा है तो पीछे देख रहे हो कि आप इधर लावरा है ये, तो मुझे बोला कि मैं आता हूँ आपको छोड़ने के लिए पीछे तक। और ये इन लोगों की भी थोड़ी हेल्प कर रहा है, ये लोग अरब से है, अरबिक कंट्री से। तो उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है, तो वो थोड़ा ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन करने का और बताने का। और ये जो आदमी है मेरे साथ, वो एक्चुअली में इंडिया में 6-7 बार जा चुका है अपनी कंपनी के वर्क से, जो सीमेंस में काम करता है, तो उसको इंग्लिश आती हो। मैं मतलब कि जा रहा था चलते चलते, तो उसने मुझे पूछा कि आर यू इंडियन, तो आई सेड यस, सो मतलब कि बातें शुरू हो गई थी कि क्या है क्या नहीं। तो ये आ रहा है अभी मेरे साथ, छोड़ेगा मुझे वहाँ तक लावरा तक और फिर चला जाएगा। बोला था कि गूगल ट्रांसलेशन आप रशियन यूक्रेनियन और इंग्लिश मतलब कि ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए गूगल ट्रांसलेशन, और गूगल मैप्स भी डाउनलोड कर दीजिए। कोई भी सिटी में जा रहे हो आपके, मतलब कि कीव सिटी में, तो 20-25 किलोमीटर तक के एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर दीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा।
डायरेक्शन और वो सब के लिए. तो इन लोगों उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये भाई को इंग्लिश आती है पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू बात कर रहे हैं थोड़ी कि क्या है क्या नहीं. वो बस का वेट कर रहे हैं पर लफड़ा पता नहीं क्या है कि बस का सीन, क्योंकि मैंने बस का सीन बोला ना कि बस का टिकट वहाँ से नहीं मिलेगा आपको अंदर को, पर ये लोग बस का वेट कर रहे हैं. तो समझाते अभी इन लोगों की क्या है एक्चुअली में. और ये जो भाई है वो मेरी हेल्प करा रहे हैं फ्री में एंट्री दिलाने के लिए. अगर आपको खाली एंट्री लेनी है तो 100 ग्रीवा चार्जेस है इसका. पर ये ऐसा बोला मुझे कि मतलब कि आप एज्यूम करना कि मैं आपका गाइड हूँ और मैं आपको एंट्री दिला दूँगा, सो वो फ्री में हो जाएगा. आज मैं सबसे पहले आया था पार्क ऑफ इटरनल ग्लोरी, जहाँ पे आपने देखा कि वो इटरनल फ्लेम जलती रहती है. उसके बाद में फिर आप चलते चलते आएंगे तो आप पहुँच जाएंगे पेसर्स लावरा लावरा के पास. और उसके थोड़े ही आगे आप आएंगे 2-3 मिनट चल के तो आएगा मदरलैंड मॉन्यूमेंट. और मदरलैंड मॉन्यूमेंट के मतलब कि एरिया में एंटर होने से पहले आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई देगा. ये जो छोटी वाली जो टैंक है ना, वो तो मतलब अपनी इंडिया की टाटा एस जैसी लगती है, कि जिसके ऊपर ना मतलब कि ये डिज़ाइन कर दिया गया है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. अब उसका डिज़ाइन देखिए, मतलब कि बिल्कुल टाटा एसी है. जस्ट खाली उसको मिलिट्री ग्रेड का कलर दिया हुआ है. और ये जो है वही स्टील के सरिये है. और ये टैंक की हालत देखिए, मतलब कि इसके ऊपर ना कितना बड़ा ग्रेनेड फेंका गया होगा, उसके पुर्जे उड़ गए हैं. मतलब कि ये देखिए आप कितना हैवी मेटल है. यहाँ पे पूरा एक ग्रेनेड गिरा था, यहाँ पे एक ग्रेनेड गिरा था. ओ भाई, तो ऐसा कुछ है. ये जो मदरलैंड मॉन्यूमेंट के अंदर आप एंटर होते हो उसके पहले मतलब कि ये 4-5 ये टैंक रहा पे यहाँ पे रखी हुई है. देखते हैं आगे अंदर की क्या है, बताते हैं आपको. तो ये एक और टैंक रखी हुई है यहाँ पे, कुछ ऐसी दिखती है. फिर ये एक दूसरी टैंक. और भाई ये तो एपिक है, एपिक. मतलब कि आप सोचिए कि यहाँ से अगर फायर होता होगा दूसरी साइड. और वहां पे आपको यूक्रेन का एक बड़ा सा फ्लैग दिख रहा होगा, मतलब कि डिस्टेंस में वो बहुत ही दूर है. ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और वो फ्लैग एक्चुअल में वाकई बहुत बड़ा है. और उसके बाजू में आप देख पा रहे हो कि मदरलैंड मॉन्यूमेंट है, विच इज़ यू नो कंसिडर टू बी बिगेस्ट स्टैचू इन कीव इन यूक्रेन. सो दिखाता हूँ आपको पास में जाके कि कैसा नज़ारा है वहाँ का. तो भाई ये जो है, ये है यूक्रेन का फ्लैग,
यहाँ पे मदरलैंड मॉन्यूमेंट के बाजू में। इसमें एक्चुअली दो कलर है, ब्लू और येल्लो। ब्लू का मतलब होता है कि मतलब कि हमारा देश जो है कि मतलब कि वो आसमान को छूता है, तो वो उसके मतलब से उन्होंने बनाया ब्लू। और येल्लो, येल्लो का मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे मेजोरिटी फार्मिंग होती है, और फार्मिंग में भी मेनली गेहूं जो कि येल्लो कलर के होते हैं, तो वो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उसके उसकी वजह से ना इन लोगों ने इसका कलर येल्लो रखा हुआ है। जो खेती है वो बहुत अच्छी है, और मतलब कि वाकई में, और मतलब कि मेन यही है कि यहाँ पे ना एक्चुअली में अल्कोहल सस्ता होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे मतलब कि गेहूं जो है वो बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो अल्कोहल की प्राइस में बात करूँ तो बाकी कंट्री के हिसाब से ना यहाँ पे मतलब आधी है, मतलब कि लोग एक्चुअली में पानी नहीं पीते पर लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि पानी की बोतल आएगी आपको 15 ग्रीवा में, मतलब कि छोटी वाली 500 ml की, और वही चीज़ आप लेने जाओगे और बियर वो सब आपको मिल जाएगी 20-22 ग्रीवा में। तो मतलब कि 20 रुपये खाली ज़्यादा दे के आपको वही चीज़ आपको बियर मिल रही है, तो फिर लोग वही पीना ज़्यादा पसंद करते हैं।